सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड अभी अपना कहर दिखाएगी। भारतीय मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान सुबह और रात के समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। रविवार के मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 18 जनवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से आने वाली पश्चिम से हवा का असर मौसम पर दिखेगा। इसके अलावा 21 जनवरी तक पश्चिम से आने वाली हवाएं उत्तर पश्चिम भारत में भी अपना असर दिखाएंगी। मौसम विभाग ने बताया है कि राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले दो दिनों तक रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं 16 और 17 जनवरी को जम्मू विभाग और हिमाचल प्रदेश में भी रात और सुबह के समय घना कोहरा रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी अगले दो दिनों तक कोहरा रहने का अनुमान है। IMD द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले दो दिनों तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी रहेगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। हालांकि रविवार को भी उत्तर भारत में पूरे दिन कोहरा छाया रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम रही। पूरे दिन घने कोहरे के कारण लखनऊ में विजिबिलिटी की समस्या रही। इसके अलावा भोपाल सहित पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के पालम इलाके में 8:30 बजे के करीब विजिबिलिटी 1000 मीटर से भी कम रही है। इसके अलावा पूरे दिन भर हल्के और मध्यम बादल छाए रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।